नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के लिए एक बड़ी ही गौरवान्वित करने वाली खबर है। दरअसल देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि 2 शिक्षक बिहार से भी हैं। ये जो घोषणा है वो शिक्षा विभाग ने गुरुवार को ही घोषित किया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो 2 शिक्षक बिहार के कौन हैं और किस विद्यालय से हैं। राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसमें महादेव उच्च महाविद्यालय खुशरूपुर पटना की शिक्षिका निशी कुमारी और ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट्स गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन शामिल हैं। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुरुवार को किया गया था। देश भर में 46 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। इसमें बिहार से 2 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को विज्ञान भवन में 5 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के तौर पर शिक्षकों को 50,000 रुपये की राशि और सिल्वर मेडल दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की तरफ से 30,000 रुपये की राशि पुरस्कार के तौर पर भी मिलेगा। ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा बिहार से 6 शिक्षकों का नाम राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार के लिए भेजा गया था। इसमें आदर्श कन्या +2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ भभुआ के प्रभारी प्रधान शिक्षक अनिल कुमार सिंह, डीबी राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरा सारण के शिक्षक असीम अख्तर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय मध्यपट्टी दरभंगा के शिक्षक रवि रोशन कुमार, राजकीय मध्य विद्यालय चांदमारी कन्या पूर्वी चंपारण के प्रभारी प्रधान शिक्षक ममता पांडे, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन और महादेव उच्च विद्यालय खुशरूपुर पटना की शिक्षिका निशी कुमारी शामिल हैं। शिक्षकों का अंतिम चयन उनके प्रेजेंटेशन के आधार पर किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 6 अगस्त को ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया गया था। जिन शिक्षकों का चयन राष्ट्र पुरस्कार के लिए नहीं हुआ है, उन्हें राज्य सरकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार का आयोजन एसके मेमोरियल हॉल में 5 सितंबर को किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक सौरभ सुमन और निशी कुमारी ने खुशी भी जाहिर की है। सौरभ सुमन जहां राज्य के सरकारी स्कूलों में तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है, तो वहीं शिक्षिका निशी कुमारी ने बालिका स्वास्थ्य और सैनिटरी पैड पर विशेष योगदान दिया है। तो देखिए, बिहार के लिए बड़ी प्राउड की मोमेंट है कि जहां 46 देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्र शिक्षा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था, उसमें 2 शिक्षक हमारे बिहार से भी आ रहे हैं। तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।